तो भाई जैसे कि आपको पता है कि कल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से स्टेनो की जो है परीक्षा हुई थी, उसमें से जो है जितने भी क्वेश्चंस कंप्यूटर से आए थे उनके डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में हम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कक्षा नंबर 10 में आपका स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर 61 पे जाएंगे। हो सकता है आपके सेट में ये अलग क्वेश्चंस हो, बट जिस सेट से हमने ये लिया हुआ है उसमें 61 था। इसमें क्वेश्चंस है कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक है, मतलब ये इंटरनेट ब्राउजर है और डेवलप्ड बाय, यानी कि जो इंटरनेट ब्राउजर है इसका हिंदी में कह लीजिए कि एक तरफ इंटरनेट ब्राउजर है और एक तरफ जिन्होंने इसको डेवलप किया है वो लिस्ट है, वो आपको मैच करानी है और नीचे कोड वगैरह दिए। तो चलिए डिटेल में जितने भी क्वेश्चंस आए थे, तीन क्वेश्चंस, तीनों का एनालिसिस करेंगे और सभी की पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी और ये आपको बहुत काम देगी आने वाले समय में, चाहे वो कनिष्ठ सहायक का पेपर हो, चाहे बीडीओ बीपीडीओ स्नातक स्तरीय जितने भी हैं, जितने भी क्लासेस हम यूट्यूब पर ला रहे हैं आपके लिए, ये आप विदाउट एड फ्री देख सकते हो टेलीग्राम ज्वाइन करके। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इंटरनेट ब्राउजर फायरफॉक्स की बात करें तो फायरफॉक्स क्या होता है। जैसे कि आप इंटरनेट ब्राउजर में आपका तमाम अलग अलग ब्राउजर है, लेकिन मेनली जो आप यूज करते होंगे गूगल क्रोम यूज करते होंगे या फिर ज़्यादातर इंटरनेट एक्सप्लोरर, बट फायरफॉक्स इसको लेकर हमने एक वीडियो बनाया है कि कितने कितने ब्राउजर होते हैं, एक डिटेल वीडियो बनाया है और उसको आप ज़रूर जो है चेकआउट करें। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उसकी वीडियो फिर से आपके लिए लेके आऊं, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, या फिर कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा। तो फायरफॉक्स जो है मोजिला जो कॉरपोरेशन है उसका होता है, यानी कि जो फायरफॉक्स है आपका जो है मोजिला जो है का जो कंपनी है उसने उसको डेवलप किया था। सफारी भी जो है एक जो है फायरफॉक्स है। ठीक है, सफारी भी एक जो है फायरफॉक्स है जिसे एप्पल ने जो है किया था डिज़ाइन। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे कि आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने किया था, और जो एक्सेस है ये एक्सेस दूसरा है जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैकबेरी है, बट जो एक्चुअल है वो कुछ और है। अभी मैं नीचे जो डिटेल एनालिसिस है उसमें मैं आपको बताऊँगा। इस हिसाब से जो कॉम्बिनेशन बनता है आपका जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये डिटेल एनालिसिस में जो है ये समझाने वाला हूँ कि क्या है और कैसे है और क्यों है। तो जो सबसे पहले फायरफॉक्स है, जो मैंने आपको बताया कि फायरफॉक्स इज मेड बाय मोजिला कॉरपोरेशन, ए होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ द नॉन प्रॉफिटेबल मोजिला फाउंडेशन। तो सबसे पहले क्लियर हो गया आपका, मोजिला जो है फायरफॉक्स जो है मोजिला ने बनाया। सफारी जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एप्पल के जो फ़ोन होते हैं उनमें सफारी जो है आपका ब्राउज़र होता है, जिस तरह से आपने अगर आप एमआई के फ़ोन करेंगे तो उनमें मी का ब्राउज़र होता है। तो अलग अलग कंपनी अलग अलग ब्राउज़र बनाते हैं अपनी सुटेबिलिटी के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि आईपैड वगैरह, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैक ओएस, आईपैड ओएस और विंज ओएस में आता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको पता ही है माइक्रोसॉफ्ट का खुद का है। अब जो तीसरा ये है कि एक्सेस, यहाँ पर ब्लैकबेरी ऑप्शन दिया है, बट आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि एक्सेस इज नॉट ए वाइडली रिकॉग्नाइज्ड वेब ब्राउजर। आप भी पहली बार इसको सुन रहे होंगे, बट इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ ए सिमिलर नेम द मोस्ट लाइकली कैंडिडेट इज अ नेटस्केप नेविगेटर। इसको जो है नेटस्केप जो नेविगेटर है आप देखेंगे भी एक जो है ब्राउजर है नेटस्केप नेविगेटर। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं सिमिलर है, विच वॉज डेवलप्ड बाय द कंपनी नेटस्केप कम्युनिकेशन, फाउंडेड बाय मार्क एडिसन एंड जिम क्लार्क। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर। तो आप देख सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर इस को आप देखेंगे तो यहां पर जो आंसर है ये आपका जो है इसका तो ये हो जाएगा। ठीक है, फायरफॉक्स का मोजिला, सफारी का एप्पल हो जाएगा, इंटरनेट का माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है एक्सेस का तो ब्लैकबेरी होना ही है। ठीक है, जब आप डिटेल में इसको स्टडी करेंगे
तब आपको समझ में आएगा कि ब्लैकबेरी एक्सेस इज अ सिक्योर वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय द ब्लैकबेरी। तो इसका जो पूरा नाम है, इसीलिए आप कन्फ्यूज मत होएगा, इसका पूरा नाम ही जो है एक्सेस ब्लैकबेरी वेब ब्राउजर है। तो ये आपको समझ में आया होगा, इसका आंसर जो है आपका सी है। ठीक है, समझ में आ गया। हमारे यहाँ जितने भी MCQs की क्लासेस चलती हैं, यही चलती हैं कि आपको एक पूरा डिटेल एनालिसिस जो है हम देने की कोशिश करते हैं। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है जो 69 के तौर पर था, वो था कि क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटेड इमेज ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड, यानी कि जो आप प्रिंट निकालते हो उसकी जो यूनिट है, यानी कि किसमें मेजर की जाती है। सबसे पहले DPI है, डॉट पर इंच। सेकेंड है PPI, पिक्सल पर इंच। तीसरा है CPS, कैरेक्टर पर सेकेंड। चौथा है PPM, पेजेस पर मिनट। तो जो इसका एक्चुअल आंसर है DPI है, यानी कि प्रिंटर से कोई भी जब आप चीज़ निकालते हो तो वो जो पिक्सल आपकी फ़ोटो की होती है उसमें आपको पिक्सल होता है, लेकिन जब प्रिंटर से हार्ड कॉपी निकालते हो वहाँ पर जो आपकी मेजरमेंट होती है वो आपकी DPI में आती है, डॉट पर इंच। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी में भी आप इसका जो आंसर है वो देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द करेक्ट आंसर इज डॉट पर इंच। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर इन इंच, डॉट पर इंच। DPI रिप्रेजेंट अ नंबर ऑफ इंक, यहाँ पर आप देखिए क्यों किया जाता है मेजर, वो भी यहाँ पर इन्होंने बताया है कि उसका मेन रीजन है कि नंबर ऑफ इंक डॉट्स द प्रिंटर कैन प्लेस इन ए एरिया ऑफ 1 square inch, इट रिफर्स टू द फिजिकल डॉट डेंसिटी ऑफ एन इमेज व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड एज अ रियल फिजिकल एंटिटी, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर ऑन द पेज। कहने का मतलब है, यहाँ पर मैं आपको साफ सीधे बात में समझा देता हूँ कि जब कोई भी प्रिंटर से आप आउटपुट निकालते हैं तो जो इंक आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंक डॉट्स द प्रिंटर कैन प्लेस इन एरिया, जो वो खाली एरिया में भरता है वो डॉट्स में ले जाते हैं, इसीलिए जो प्रिंटर से हार्ड कॉपी निकालते हैं उसको मेजर जो है DPI में किया जाता है, यानी कि डॉट पर इंच। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी यहाँ पर और भी जो उसमें लिखाया गया है, और कि आपका DPI मेजर ऑफ द फिजिकल डॉट डेंसिटी इन इमेज व्हेन इट्स प्रिंटेड ऑन द पेपर। ठीक है, ए हाइयर DPI कैन प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी, यानी कि जितनी DPI ज़्यादा होगी प्रिंटर की उतनी अच्छी आपकी पिक्चर क्वालिटी आएगी, मतलब उतना प्रिंट आपका अच्छा आएगा। इस तरह से पेपर टाइप होता है। ठीक है, उसके अलावा PPI होती है, PPI मेजर द नंबर ऑफ पिक्सल इन अ डिजिटल इमेज पर इंच। PPI इज ए मेजर डिस्प्ले इमेजेस शार्पनेस, जो आप फोन में देखते होगे, कभी आप फोन की जो प्रॉपर्टी है, आपके फोन में कोई एक फोटो होगी उसकी प्रॉपर्टी अगर आप चेक करेंगे तो वो PPI में, नहीं कि पिक्सल में होगी। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें रहती हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको जितने भी MCQs के पूरा डिटेल एनालिसिस किया जाता है, आपको एक एक चीज़ समझाई जाती है ताकि कोई भी चीज़ आपको जो है कन्फ्यूज ना कर सके। चलिए, जो अगला क्वेश्चंस आया था 76 नंबर था, जहाँ तक हमने पूरा पेपर देखा उनमें हमको 3 क्वेश्चन ही नज़र आए, हालांकि मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 5 नंबर पक्का कंप्यूटर का आता है, और अभी अगर ये और एग्ज़ाम होता तो उसमें 5 क्वेश्चन तो पक्के थे। इसलिए हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि 5 नंबर की तैयारी आपको कहाँ मिलेगी, ऑनली ऑन पहाड़ी नौकरी प्ले लिस्ट बना के रखी हुए, पूरा कंप्यूटर के क्लासेस मिलेंगी वहाँ कर। अब ये 10वीं क्लास है, 9 क्लासेस की पूरी डीप एनालिसिस मिलेगी। अगर ऐड फ्री चाहते हैं तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, ऐड फ्री वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी ये वाली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये 76 मिल जाएगा, आपके सेट में अलग हो सकता है कि इन अ कंप्यूटर डैश इज कैपेबल स्टोर सिंगल बिट, यानी कि एक कंप्यूटर जो स्टोर करता है सिंगल बिट जो स्टोर करता है वो किस में रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिट स्टोर करने की क्षमता क्या रखता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, कैपेसिटर, रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप और इंडक्टर। तो आंसर होता है फ्लिप फ्लॉप, जैसे कि आपको पता है बिट में एक बिट में के भी, ठीक है, पहले जो यूज होता था आपके फ्लॉपी ही जो है स्टोर होती थी, और जो यानी कंप्यूटर इज ए कैपेबल स्टोरेज सिंगल बिट जो स्टोर करती है वो आपकी फ्लिप फ्लॉप ही करती है। फ्लिप फ्लॉप आजकल यूज नहीं होते हैं, बहुत पहले जब कंप्यूटर आया था तो स्टोरेज के लिए फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल
किया जाता था। तो इन ए कंप्यूटर फ्लिप फ्लॉप इज कैपेबल टू स्टोर सिंगल बाइनरी बिट, सिंगल बाइनरी जो बिट होता है उसको स्टोर करता है। इट इज़ यूज्ड स्टेबल मेजरमेंट मल्टी वाइब्रेटर फ्लिप फ्लॉप एंड लैचेस आर फंडामेंटल ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड मैनी अदर टाइप ऑफ सिस्टम। फ्लिप फ्लॉप कैन ईदर बी सिंपल और क्लॉक, यानी कि सीधे जाते हैं और गोल गोल भी होते हैं, ठीक है। तो ये रही आज की डिटेल क्लासेस, मतलब फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं आपके बहुत पहले होते थे और बहुत छोटी छोटी जो स्टोरेज चीज़ें हैं, जैसे कोई छोटी सी फाइल है आपकी जो कि आपकी 100 KB की है, 200 KB की है, 500 KB की है, उसको स्टोर करने के काम आता था, बड़ी फाइल्स वो स्टोर नहीं कर पाता था, ठीक है। तो गाइस ये रही आज की कक्षा नंबर 10, जिनमें इसमें हमने कवर किया कि किस तरह से जो स्टैंडो का पेपर आया था उसमें जो क्वेश्चंस आए थे और किस तरह से आयोग पूछ रहा है, इससे आपको समझ में आएगा कि आने वाले जो पैटर्न है किस तरह से आयोग दे रहा है और किस तरह से आपको आने वाले जो एग्जामिनेशन है करने सहायक तमाम जो हैं उनमें सभी में इस तरह के क्वेश्चन हम लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूरी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।